तो सो रहे थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ आप चली गई तो नींद भी चली गई। क्या होगा मेरे लाल का यदि मैं चली गई तो? पिताश्री को काम करने दो पुत्र, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। मैं नगरवासियों के लिए कुआं खुदवाने जा रहा हूं, अन्यथा कल तक पीने के जल की भी कमी हो जाएगी। इस समस्या को शीघ्र ही सुलझाना होगा। पिताश्री मैं भी चलूं आपके साथ? तुम जाकर सो जाओ पुत्र, तुम्हारा क्या कार्य वहां? पिताश्री आप ही तो कहते हैं कि मुझे सब कुछ सीखना चाहिए, युवराज हूँ ना सुमेरु का, तो मुझे भी तो सीखना होगा कि प्रजा की समस्या को कैसे सुलझाना चाहिए। हनुमान उचित कह रहा है, इसे भी तो ऐसी समस्याओं के बारे में जानना चाहिए, हमें शीघ्र ही इसे सब कुछ सिखाना है। आप ले जाइए इसे। अभी तक कुआं खोदने का कार्य समाप्त नहीं हुआ, आओ देखते हैं इतना समय क्यों लग रहा है। अरे यहाँ तो शिलाखंड निकल आया, जल का निकलना जटिल ज्ञात पड़ता है। इतने श्रम के बाद इतनी खुदाई हुई और ये शिला बीच में आ गई। पिताश्री मैं एक बार प्रयास करूं? पुत्र ये कुआं खुदाई का कार्य है जो शिला आने के कारण रुक गया, इसमें तुम क्या प्रयास कर सकते हो भला? युवराज ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, ये तो चमत्कार हो गया। हनुमान 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 कहाँ गया? क्या कर रहे हैं हमारे युवराज? नागराज सुमेरु में जल की समस्या समाप्त हो गई है। महाराज केसरी के पुत्र हनुमान ने
कुआं खोद दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं नागराज। सुमेरु वासियों में तुम्हें तड़पा तड़पा के मार डालूंगा। उस कुएं का जल भी विषाक्त कर दूंगा मैं। पंचपन ये सब करके व्यर्थ तुम अपना समय और शक्ति दोनों ही नष्ट कर रहे हो। पंचपन तुम्हें वो करना चाहिए जो करने के लिए यहाँ आए हो। हनुमान का अंत करना है तुम्हें। अतिबल, मुझे उपदेश देने वाला जीवित नहीं रहता और तुम मुझे ऐसे समय पर उपदेश दे रहे हो। यदि कुछ करना चाहते हो तो जाओ, उस हनुमान को यहाँ लेकर आओ। पल, हनुमान को यहाँ? क्या हुआ, भयभीत हो गए क्या? नहीं नहीं, मैं भयभीत नहीं हूं, परंतु तुम हनुमान के बारे में जानते नहीं हो। अतिबल, पांच भान हूं मैं, कालकुट विष के समान पांच विषों का स्वामी हूं मैं। मेरे विष का प्रभाव भी तुम शीघ्र ही देख लोगे। इन्हें देख रहे हो? ये मेरी विषैली सेना के सैनिक हैं। ये सारे सुमेरु नगर में फैल कर सबको विषाक्त कर देंगे। सब हो जाएंगे मेरे दास। मैं जो चाहूंगा वो होगा सुमेरु में, फिर चारों तरफ घृणा होगी, व्यभिचार होगा, लूट मार हाहाकार होगा। बस कैसे भी तुम उस वानर बालक को यहाँ लेकर आओ, मेरे सामने लेकर आओ उस वानर बालक को। ठीक है पंचपन, हनुमान को तो मैं ले आऊंगा। ये तो अतिबल के बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का काम है। हनुमान, हनुमान, बलबला बलबल, अतिबल। अतिबल, तुम इस वक्त यहाँ? हनुमान, हनुमान, मुझे ज्ञात हो गया हनुमान कि नदी के जल को किसने विषैला किया था। मैं तो ये बताने के लिए महाराज के पास जा रहा था, किंतु ज्ञात हुआ कि महाराज तो भवन में है ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ हनुमान कि तुम दिख गए। अब यदि तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो चलो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ वो कहाँ है। चलो, यदि ऐसा है तो चलो, उसे उसकी करनी का दंड देना ही होगा। चलो मेरे साथ। इसे तो बचा लिया तुमने, तुम्हें कौन बचाएगा हनुमान? यही है वो पंचपन जिसने नदी के जल को विषैला किया है। हनुमान, न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या की इसने। इसे छोड़ना मत, दंडित करो इसे। पंचपन, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी सर्प का नाम हो।
किंतु ये पूरी नदी को कैसे विशाख कर सकता है? हनुमान, ये बहुत बड़ा मायावी है। मुझे तो डर लग रहा है। हनुमान जाओ जाओ, इसे दंडित करो, छोड़ना मत इसे, जाओ। और शीघ्र ही मुझे सब हनुमान का मृत्युदाता भी कहेंगे। हनुमान का मृत्युदाता। और तुम्हें मारने के लिए तो मुझे सर प्रूफ की भी आवश्यकता नहीं है। Videos.